देखिए, ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे। सभी की भागीदारी की बात की, सभी धर्म सभी जातियों का ख्याल रखा गया क्या? हर जाति हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है, इतना मैं श्योर करता हूँ। 2024 को भी ध्यान में रखा गया है? देखिए, 2024 ये जो पूरा महागठबंधन में फिर नीतीश जी आए हैं, तो 24 का नक्शा तो काफ़ी हद तक साफ है। मतलब भाजपा को तो यहाँ एक या दो सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और उनकी चिंता हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होगा चुनाव के गणित में। देखिए, 2024 को भी दिमाग में रख के इस कैबिनेट की कल्पना की गई है। देखिए, दो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जिंदा पॉलिटिकल पार्टी, लाइव पॉलिटिकल पार्टी कैबिनेट एक्सपेंशन कैबिनेट फॉर्म करती है, तो जाहिर है लोगों के सरोकार सर्वोपरि होते हैं और अपनी पॉलिटिकल कैपिटल कैसे बढ़े उसकी भी चिंता होती है, और उन दोनों की परिणति आप कैबिनेट में देखेंगे। 20 लाख वाली बात जो जॉब की थी सीएम ने, तो खुले मन से गाने ना निकली। ये तो कल मुझे लगा कि एक तरफ सीएम तेजस्वी जी दोनों जब साथ आए हैं तो 10 लाख के अलावा 20 लाख की बात हुई, जो तो ये पूरे देश के लिए नज़ीर होनी चाहिए और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कल पूरा देश टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहा था कि ये 2 करोड़ तो छोड़िए, 25 लाख रोजगार भी अगर प्रतिवर्ष की बात करते तो युवाओं में एक जोश आता, एक संदेश जाता कि प्रधानमंत्री जी को हवा हवाई चीज़ों की चिंता के अलावा ज़मीनी चिंता भी है।